अस्सलाम वालेकुम, पंजाब रंग न्यूज़ के साथ मैं हूं नाइला नजीर। आप हमारा प्रोग्राम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी देख रहे हैं। मेरे साथ ग्लोबल टेक स्टार की स्टाफ मैनेजर शिज़ा खान मौजूद हैं। आज हम इनसे पूछते हैं कि लोग घरों में बैठ के ऑनलाइन पैसा कैसे कमाएं। आए इनसे मज़ीद तफसीलात जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप इस पोस्ट पर आकर कैसा फ़ील करती हैं? जी, मैं इस पोस्ट पर आकर काफ़ी अच्छा फील कर रही हूँ, क्योंकि मैं खुद भी घर बैठ के भी आराम से कमाना चाहूँ तो घर बैठ के भी आराम से कमा सकती हूँ, और यहाँ पे भी बाइज़त तरीके से कमा रही हूँ। और मैंने दूसरे लोगों को भी बताया कि फ्रीलांसिंग बहुत आसान है, जिसकी वजह से काफ़ी बेरोज़गार लोगों को रोज़गार मिला है। जिन लोगों को जॉब की परमिशन नहीं होती, वो किस तरह कमाएं? कुछ लड़कियाँ ऐसी होती हैं जिनको जॉब की परमिशन नहीं होती, लेकिन उनके घर के हालात ऐसे होते हैं कि वो अपने अखराजात पूरे नहीं कर पाती हैं और वो कमाना चाहती हैं, तो उनके लिए ये है कि वो फ्रीलांसिंग का कोर्स करें और घर बैठ के 40,000 से 1,00,000 तक आसानी से कमाएं। आप आईटी के हवाले से क्या बताएंगी? फ्रीलांसिंग दुनिया का सबसे आसान, मुफीद और यकीनी बेरोज़गारी का हल है। इंटरनेट से अर्निंग करने वाले को फ्रीलांसर कहते हैं। इंटरनेट से अर्निंग करने के काफ़ी तरीके हैं, जिसमें यूट्यूब, डिजिटल मार्केटिंग, वेबसाइट, फेसबुक एड्स ब्रेक, फाइवर, अपवर्क, 99 डिज़ाइन, एसईओ क्लर्क वगैरह पे काम करके हम अर्निंग कर सकते हैं। जब से आपने सीखा, आपने कितने लोगों का एडमिशन कर चुकी हैं? जब से मैंने सीखा, काफ़ी तादाद में लोगों ने एडमिशन लिया है, जिसमें कारोबारी हजरात भी हैं, स्टूडेंट्स भी हैं और नौकरी पेशा अफराद भी हैं। तो ये कोर्स, इस कोर्स को करने के लिए किसी उम्र के कैद नहीं है, ये हर किस्म के लोग ये कोर्स कर सकते हैं। ऑनलाइन अर्निंग के लिए कितने दिन की ट्रेनिंग ज़रूरी है? वैसे तो ऑनलाइन अर्निंग के लिए 6 मंथ की ट्रेनिंग होना ज़रूरी है, लेकिन कुछ लोग ये सोचते हैं कि 6 मंथ का वक्त तो बहुत ज़्यादा है और वो ये वक्त नहीं दे सकते, तो उनके लिए ये है कि वो 2 मंथ का कोर्स करके भी कर सकते हैं, कमा सकते हैं, और ड्यूरिंग कोर्स भी वो अच्छा खासा कमा सकते हैं। आप मंथली कितना कमा लेती हो? मैं मंथली 1,00,000 से ऊपर कमा रही हूँ। तो आपको कितना अर्सा हो गया काम करते हुए? मैं इस फील्ड में तकरीबन 4 साल से हूँ। एडमिशन लेने के लिए तालीम कितनी होनी चाहिए? इसके लिए तालीम मैट्रिक होना ज़रूरी है, और इसके लिए ये है कि एज का भी कोई फ़र्क नहीं है, मतलब उम्र की भी कोई कैद नहीं है। अगर एजड लोग भी ये कोर्स कर रहे हैं, बिजनेसमैन लोग भी कर रहे हैं, नौकरी पेशा अफराद भी कर रहे हैं, स्टूडेंट्स भी ये कोर्स कर रहे हैं। मैडम, आप नाज़रीन को ये बताएं कि एडमिशन लेने के लिए कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होती है? एडमिशन के लिए ये है कि आप अपने मैट्रिक के रिजल्ट कार्ड की फ़ोटोकॉपी लेके आएँ, अपने आईडी कार्ड की फ़ोटोकॉपी लेके आएँ, और अपनी पासपोर्ट साइज़ की 2 पिक्चर भी साथ लेके आएँ। आपकी आईटी में लोगों की कितनी तादाद है, और आने वाले दिनों में आप क्या चेंजिंग लेके आ रही हैं? अभी हमारे ये ग्लोबल टेक्सटार में 150 से अबव स्टूडेंट्स यहाँ पे भी हैं, और उसके बाद फिर ऑनलाइन भी हैं, जो आउट ऑफ सिटी जैसे कि कराची हो गया, लाहौर से बाहर के लोग हैं, वहाँ से भी काफ़ी लोगों ने एडमिशन लिया हुआ है। और जैसे जैसे हमारे एडमिशन ज़्यादा हो रहे हैं, तो आने वाले वक्तों में हमने एक और प्रोजेक्ट भी स्टार्ट करना है, जैसे कि हमने एक बिल्डिंग नज़र में रखी हुई, जैसे यहाँ पर एडमिशन और ज़्यादा होंगे तो हम वहाँ पर भी हम एक सेटअप लगाने जा रहे हैं। क्या आउट ऑफ कंट्री के लोग भी आपके साथ जॉब कर सकते हैं? जी हाँ, आउट ऑफ कंट्री के लोग भी हमारे साथ काम कर सकते हैं। जी तो नाज़रीन, मेरे साथ शिज़ा खान ग्लोबल टेक स्टार की शिज़ा खान मौजूद थी। इन्होंने मज़ीद अपने आईटी के हवाले से हमें आगाह किया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पंजाब रंग न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अपनी मेज़बान नाइला नज़ीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।